आपके खाने में चाहे जितनी वैरायटी के व्यंजन परोसे गए हों, लेकिन पापड़ के बिना थाली अधूरी लगती है। वैसे पापड़ के सबसे ज्यादा उद्योग गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। पापड़ केवल पूरे भारत में ही प्रसिद्ध नहीं, बल्कि ये विदेशों में भी पापड़ अपने टेस्ट के लिए मशहूर है। अब जब ये पापड़ इतना अधिक मशहूर है, तो इसका बिजनेस भी काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब यदि आप इस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस बिजनेस को आसानी से शुरू किया जा सकता है, महिलाओं के माध्यम से घर में शुरू किया जा सकता है बिजनेस। पापड़ बनाने में निपुण महिलाओं की ही भूमिका रहती है। भारत के प्रत्येक घर में महिलाओं को पापड़ बनाना आता है। यदि नहीं आता होगा तो उन्हें रोटी तो बनानी आती ही है। इससे उन्हें पापड़ बनाने में कोई परेशानी नहीं हो सकती। इसके अलावा आप उससे बड़ा यानी मीडियम स्केल का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको कुछ मशीनें लगानी होंगी। उसके बाद बड़े पैमाने पर उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए और ऑटोमेटिक प्लांट लगाने की जरूरत होगी। क्यों आसान है पापड़ का बिजनेस? पापड़ बनाना हर जगह इसलिए आसान है क्योंकि इस बिजनेस के काम में आने वाला कच्चा माल गांव शहर हर जगह आसानी से उपलब्ध है। गांव में तो मशीनों की आवश्यकता भी नहीं होती, वहां तो चकला बेलन पर महिलाएं आसानी से पापड़ बना सकती हैं। पापड़ को बनाने के लिए भीगी दाल और अन्य सामान पीसने, पापड़ बेलने, पापड़ को सुखाने और उसकी पैकिंग करने में मशीनों की आवश्यकता होती है। पापड़ का बिजनेस शुरू करने का ये है मूल मंत्र। अब बात करते हैं कि पापड़ का बिजनेस किस तरह से शुरू किया जा सकता है। सबसे पहले आपको उस क्षेत्र के लोगों की पसंद की जानकारी जुटानी होगी, जहां पर आप अपना ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए आपको शुरू शुरू में पापड़ बनाकर लोगों से टेस्ट कराने होंगे और उनसे फीडबैक लेना होगा। जब आपके पापड़ को पसंद करने वालों की संख्या 100% हो जाए, तब आपको समझना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट अब मार्केटिंग के लिए तैयार है। यानी आपको अपने फॉर्मूले पर पूरा ध्यान देना होगा। फॉर्मूले से मतलब ये है कि पापड़ बनाने में आपने कौन सी दाल कितनी लगाई, साबूदाना कितना लगाया, मसाले कौन कौन से कितने लगाए और नमक कितना डाला गया है। बिजनेस प्लान बनाना जरूरी। आप छोटा बिजनेस करें या बड़ा बिजनेस करें, आपको सबसे पहले बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। इससे बिजनेस से जुड़ी प्रत्येक बारीक चीज को शामिल करना चाहिए। बिजनेस के लिए जरूरी शॉप, फैक्ट्री, मशीनें, बिजली, पानी, साफ सफाई, प्रोडक्शन, वर्कर, रॉ मटेरियल, बिजनेस सिक्योरिटी, फंड, प्रॉफिट, सभी चीजों को अच्छी तरह से कैलकुलेट कर बिजनेस प्लान में शामिल करना चाहिए। कितनी तरह के पापड़ बनाए जा सकते हैं? यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि पापड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो जानिए कि चटपटे और स्वादिष्ट पापड़ कई प्रकार के होते हैं। उनमें आलू के पापड़, चावल के पापड़, मेथी के पापड़, पालक के पापड़, मूंग के पापड़, मसाला पापड़, साबूदाना के पापड़, पोहा के पापड़, उड़द के पापड़ शामिल हैं। कौन कौन से लाइसेंस चाहिए? पापड़ का बिजनेस चूंकि फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है, तो इसलिए सबसे पहले FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना जरूरी है। SSI MSME से रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है और इस तरह के रजिस्ट्रेशन से सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ मिल सकता है। GST रजिस्ट्रेशन नंबर लेना भी आवश्यक होता है। इससे पहले आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए जरूरी होता है जिससे आपकी फर्म की नकल कोई ना कर सके। यदि कोई आपकी फर्म की नकल करता है, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्वालिटी और स्टैंडर्ड के लिए सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के लिए PFA एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराना होता है। अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नाम के लिए आपको ट्रेडमार्क से लाइसेंस लेना भी जरूरी है। इसके अलावा आपको नगर निगम और नगर पालिका से भी ट्रेड का लाइसेंस लेना होगा। यदि आप अपने प्रोडक्ट को देश से बाहर विदेशों में भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको IEC कोड लेना होगा। कौन कौन सी मशीनें लगेंगी? आपको पापड़ बनाने के लिए किन किन मशीनों की जरूरत पड़ती है, इस बारे में विचार करें तो हम पाएंगे कि स्मॉल स्केल पर जहां महिलाएं पापड़ बनाती हैं, तो वहां पर बहुत कम मशीनों की आवश्यकता होती है। पीसने और पैकिंग मशीन की ही जरूरत होती है। यदि मीडियम स्केल का बिजनेस करने वालों को सेमी ऑटोमेटिक मशीनों की जरूरत होती है, जैसे पीसने के लिए ग्राइंडर, पानी का टैंक, इलेक्ट्रिक पापड़ प्रेस मशीन, वेट करने वाली मशीन, मिक्सिंग मशीन, पाउच सील करने वाली पैकिंग मशीन, पापड़ सुखाने के लिए ड्राइंग ट्रॉली आदि लेनी होती है। ऑटोमेटिक पापड़ मेकिंग प्लांट बड़े पैमाने पर उद्योग खोलने के लिए जरूरत होती है। इस तरह की मशीनों का बहुत कम ही इस्तेमाल होता है। इस तरह की मशीन में सारा काम ऑटोमेटिक होता है। कच्चा माल क्या होता है और कहां से मिलता है? अब आपको पापड़ बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पापड़ किसी भी दाल के आटे से बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें चावल और साबूदाना आदि मिलाया जाता है। आपको अपने क्षेत्र में पसंद किए जाने वाले पापड़ के टेस्ट की जानकारी होनी चाहिए। वहाँ किस दाल के बने पापड़ ज्यादा पसंद किए जाते हैं, उसी दाल के पापड़ बनाए जाने चाहिए। दाल, चावल और साबूदाने के अलावा पापड़ बनाने के लिए और कौन सा कच्चा माल चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। इसमें नमक, मसाले, खाने वाले तेल, अधिकांश सरसों का तेल इस्तेमाल किया
किया जाता है। मिर्च, जीरा, लहसुन या काली मिर्च, बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है कि पापड़ बनाने के लिए ज़रूरत होती है। आपको कई तरह के फ्लेवर वाले पापड़ बनाने से अधिक लाभ मिल सकता है। कितनी लागत आएगी? जानकार लोगों का मानना है कि आप पापड़ का बिजनेस घर स्मॉल स्केल पर शुरू कर सकते हैं तो मात्र 25,000 रुपये में शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा मीडियम लेवल के बिजनेस में आपको 3-5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने होंगे। लार्ज स्केल पर आपको 10 लाख या इससे अधिक लगाने होंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि किस बजट में आपको बिजनेस शुरू करना है। मार्केट कैसे तलाशें? पापड़ बेचने के लिए आपने पहले से ही मार्केट तलाश ली है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपनी लोकल मार्केट में रिटेलर्स के यहाँ बेच सकते हैं। होलसेलर से भी संपर्क कर सकते हैं। यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। लोकल लेवल पर आपको अपने प्रोडक्ट का जमकर प्रचार प्रसार भी करना होगा। इसके लिए आप वॉल पेंटिंग, पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ ही फ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े लेवल पर काम करने वालों के लिए तो होलसेल, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटर रखने होंगे और एक मार्केटिंग टीम भी तैयार करनी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी से भी संपर्क करना होगा। इससे आपकी सेल सही तरीके से हो जाएगी। मुनाफा कितना मिल सकता है? मुनाफे की बात करें तो पापड़ का बिजनेस ऐसा है जिसमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, लेकिन ये आपके मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। आप कैसे इसे बेचते हैं, कितना सस्ता कच्चा माल खरीदते हैं और किस तरह से अपना माल बाजार में महंगा बेचते हैं, किस लेवल का बिजनेस करते हैं। इन सब के बावजूद इस तरह के विशेषज्ञों का अनुमान है कि 20-40% का मुनाफा आसानी से मिल सकता है। अपनी दुकान के स्टाफ को कैसे आसानी से मैनेज करें? ओके स्टाफ। स्टाफ को मैनेज करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ओके स्टाफ के साथ आप अपनी टीम और स्टाफ को बेहद आसानी से मैनेज कर सकते हैं। स्टाफ की सैलरी, उनकी अटेंडेंस बहुत ही आसानी से मैनेज की जा सकती है। इस ऐप के माध्यम से आप सभी कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय कर सकते हैं। इसमें बिना किसी समस्या के आप हर एक कर्मचारी को उसका काम, छुट्टी, बोनस, परफॉर्मेंस, सैलरी आदि बता सकते हैं बस कुछ ही क्लिक्स में। खास बात यह है कि ओके स्टाफ काफ़ी सारी लोकल भाषाओं में उपलब्ध है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु आदि, इसलिए आपको भाषा से समस्या नहीं होगी। ओके स्टाफ ऐप के बारे में अधिक जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ओके स्टाफ वीडियो का लिंक पा सकते हैं। स्टाफ को बेहद आसान तरीके से मैनेज करने के लिए अभी डाउनलोड करें इसे गूगल प्ले स्टोर से। ओके स्टाफ ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अपनी दुकान को बनाएं ऑनलाइन शॉप। यदि आप अपनी शॉप का सामान ऑनलाइन बेचना चाहते हैं या फिर अपनी शॉप को ऑनलाइन शॉप बनाना चाहते हैं तो आप ओके शॉप ऐप को एकदम फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। जानिए आप कैसे अपनी शॉप को ऑनलाइन ला सकते हैं, इस लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओके शॉप ऐप का लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक कर अपनी शॉप को ले जाएं ऑनलाइन। डाउनलोड करें ओके शॉप। ओके शॉप ऐप कैसे इंस्टॉल करें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।